हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम महकार सिंह, योर इंग्लिश टीचर, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश, फर्स्ट लेसन नंबर 9। डियर स्टूडेंट्स, इसकी हमने रीडिंग लगा दी है पिछले वीडियो में और एक वीडियो और सेंड कर दी थी, उसमें क्वेश्चन आंसर करा दिए। आज देखिए एक वीडियो और आएगी, इस पर जो है वर्ड पावर में जो क्वेश्चन आंसर है वो करा रहे हैं, ठीक है। तो वर्ड पावर में क्वेश्चन नंबर 1, टिक द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन 1। देखिए प्रत्येक क्वेश्चन में तीन तीन शब्द दिए हुए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में एक वर्ड अंडरलाइन है और अंडरलाइन का जो मीनिंग है वैसा ही मीनिंग नीचे उस पर देखना हमें और टिक करना है। जो मैंने कर दिया है उसे आप अपनी अच्छी तरीके से अपनी नोटबुक में नोट करें और लर्न करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द बॉस स्पोक क्रॉसली टू हिम। क्रॉसली मीन्स एंग्रीली, ठीक है, क्रॉसली मीन्स एंग्रीली। सेकेंड है, सी कीप्स हरसेल्फ अपार्ट फ्रॉम अदर पीपल, तो अपार्ट मीन्स सेपरेट। बी हैड एन आर्गुमेंट विद द वेटर अबाउट द बिल, तो आर्गुमेंट मीन्स फाइट। फोर्थ है, द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट्स इज RS 500. 500 पेनल्टी मीन्स पनिशमेंट, ओके। नेक्स्ट है 5, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट बट द रेस्ट वर इजी। रेस्ट मीन्स अदर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरीके से अपने आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप इसे जब भी आप इसको अपनी नोटबुक नोट करेंगे तो ये ए बी सी वाले नहीं, सिर्फ पहला लिखेंगे जो सेंटेंस है और फिर उसके नीचे आंसर करके जो राइट है एंग्रीली है तो एंग्रीली, क्विकली और स्लोली नहीं लिखना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी नोटबुक में अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन करके ये वर्क करना है। तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन को प्रेस करो, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। ओके, गुड बाय, टेक केयर।